फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम माइंड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्लोट ब्रोंटी के द्वारा लिखी गई जेन आयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सो बेसिकली वो देखेंगे हम क्वेश्चंस। बट इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम एक ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो। ठीक है, आपको बस सर्च करना है @literarymind, वहाँ पर सर्च करना है, ये चैनल का नाम है @literarymind, और उसके बाद जो है आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 180 या फिर 190 के आसपास सब्सक्राइबर है उसमें, आप देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप व्हाट्सएप करना मेरे को 8383018454, वहाँ पर जो है आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट चैनल का। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, क्या है वो। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज शार्लोट ब्रोंटी इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ द गॉथिक ट्रेडिशन इन टू दिस नॉवल। ओके, सो बेसिकली अब गॉथिक क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। गॉथिक, जैसे गॉथिक एक टाइप का जॉनर है लिटरेचर में, जिसमें कुछ ऐसा शो किया जाता है रिलेटेड टू हॉरर या फिर कुछ सस्पिशन वाला। ठीक है, जिसमें कुछ सस्पिशियस हो या फिर हॉरर हो, जिसमें ऐसी चीज़ें शो की जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड गॉथिक। गॉथिक और फिक्शन, अगर कोई स्टोरी अगर फिक्शन है, फिक्शन वर्क है, मतलब इमेजिनेशन से क्रिएट की गई है, तो उसे बोल देते हैं गॉथिक फिक्शन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अब ये स्टोरी जो है शार्लोट ब्रोंटी के द्वारा लिखी गई जो जेन आयर है, वो कैसे कैसे जो है गॉथिक ट्रेडिशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बर्था का यहाँ पे एक सीन है, एक एटिक जो है, एक एटिक का भी सीन है इस नोवेल में। मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ आपको, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हिंट भी दे दूंगा साथ साथ, ताकि आपको लिखना क्या है वो चीज़ आप समझ जाओ। ठीक है, बेसिकली हम डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत हिंट के रूप में जो है मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें आपको लिखना है कि कैसे उस मैं एक जो मैंसन था जिसमें बर्था फंसी हुई थी, बर्था कौन है, रोचेस्टर की मैड वाइफ कह लो आप, जो कि मैड हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। ठीक है, जो उल्टी पुल्टी हरकतें करती थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक सस्पिशन क्रिएट करती हैं स्टोरी में, एक टाइप की जो है एक हॉरर पैदा करती हैं। ठीक है, तो ये वाला सीन जो है आपको लिखना है, इस टाइप से जो है ये गॉथिक ट्रेडिशन को जो है फॉलो करता है। और एक चीज़ यूज़, ये जो रीडर है उसके माइंड में एक चीज़ हमेशा रेपनी रहती है कि एक्चुअली है कौन वो जो औरत है वहाँ पे, जो मैड वीमेन है, वो आवाज़ें कहाँ से आती है, ये है कौन। तो ये एक टाइप का जो है एक माइंड में बना रहता है कि एक्चुअली है कौन ये, तो एक हॉरर भी क्रिएट करती है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड गॉथिक ट्रेडिशन, और इस टाइप से जो है ये नोवेल फॉलो करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पूरा नोवेल नहीं कह सकते हम, थोड़ा बहुत जो है एटलीस्ट क्रिएट करता है ये। इस जेन आयर, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आपको बट थोड़ा एलोबोरेट करके लिखना है, क्योंकि देखो मैंने जितना बताया इस पॉइंट में आप सारा कुछ नहीं लिख सकते, तो आपको थोड़ा बहुत लिंक भी करना पड़ेगा कि गॉथिक फिक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये सारी बातें बता के फिर ये वाला लिंक आप करना जो मैंने बताया है। कम से कम नहीं भी तो 1000 to 1500 वर्ड्स का बनाने की आप कोशिश करना, 1.5-2 पेज एटलीस्ट कम से कम, तभी जाके जो है आपको सक्सेसफुली मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज जेन आयर अ लाइकेबल प्रोटैगनिस्ट, वाई और वाई नॉट। तो आप ये तो आपके जैसे मैंने बताया था ना कि करेक्टर वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, कि मान लो कोई नोवल है उससे पूछ लेंगे कि इस करेक्टर के बारे में आपको क्या लगता है। ठीक है, उस कैरेक्टर के बारे में पूछ लेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जनरली अगर डी यू की बात करूँ तो। जैसे लास्ट ईयर बर्था का आया था, तो उसमें आप क्या ढूंढते हो, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो जेन आयर, अगर बात करें जेन आयर की, जो नोवेल में एक प्रोटैगनिस्ट हैं, तो वो प्रोटैगनिस्ट की जैसी है कि नहीं है, वाई और वाई नॉट, अगर हैं तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, कि कैसे उसने जो है अपना स्टार्टिंग से ही जो है सप्रेस्ड थी, प्यार करने वाला कोई था नहीं उसे, जहाँ जहाँ प्यार करने वाला मिलता था वहीं पे अपोजिट में एक उसे नफरत करने वाला भी मिल ही जाता था। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, लॉ वुड स्कूल में क्या उसके साथ सीन रहा, घर वाले कैसे जो है इसको परेशान करते थे, कैसे एक बार जो है उसको एक रूम में बंद कर दिया गया था, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो। कैसे उसने इन चीज़ों को फेस किया, प्यार भी हुआ एक ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी मैरिड था, बाद में फिर जो भी था सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, फिर लाइफ कटी, जो भी था ये सारी पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, इट विल बी प्रोबेबली गुड। और ये इनके नज़रिए से पेश करना, तो मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो हाँ, ये रियल प्रोटैगनिस्ट हैं, इन्होंने सारी मुसीबतों को जो है, मुसीबतों से जो है लड़के एक लाइफ जो है अपनी वो सूटेबल बनाई, खुशहाल ज़िंदगी बनाई उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम से लड़के। तो मेरे हिसाब से तो हाँ है, बाकी अगर आपको कुछ और पॉइंट्स लगते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो उनको मिला के। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज जेन आयर कंपेयर टू बर्था मेसन। अब बर्था कौन है? वही प्रोचेस्टर की पिछले वाली वाइफ जो कि पागल थी, अलग अजीब अजीब आवाज़ निकालती थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था रोचेस्टर से इनका। तो यही है बर्था मेसन। और जेन आयर से कैसे कंपेरिजन करोगे? तो देखो, जेन आयर का और बर्था मेसन का ऐसे तो डायरेक्टली कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं एक दो पॉइंट बताऊँगा। जेन आयर और बर्था मेसन में कह लो कि एक दूसरे की अपोजिट है वैसे तो, ठीक है। कंपेयर मैं बाद में बताता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ पहले कि एक दूसरे के अपोजिट है। जेन आयर क्या है? जेन आयर क्या है? हर एक प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करती है। लेकिन ये बर्था मेसन क्या है? हर एक प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली है, हर वक्त चाओज मचाती हैं, ठीक है। बाकी अगर कंपैरिजन के लिए आप पूछ रहे हो, तो कंपैरिजन के लिए मैं बता देता हूँ कि जेन आयर और बर्था मेसन में एक बचपन आया छिपा हुआ। ये बचपना बर्था मेसन के टाइम, मतलब बर्था मेसन में बचपना कब दिखता है? जब वो मैडनेस, मतलब मैडनेस की हालात में, पागलपंती के हालात में, मतलब पागलों जैसे बिहेव करती है। तो जेन आयर का नेचुरली है, किस हिसाब से, जिस हिसाब से ये प्यार में फंस जाती है, मतलब प्यार करने लगती है रोचेस्टर से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब एक बचपना टाइप का जो है देखा जा सकता है दोनों की ही करेक्टर में। तो आप इसे भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आपने नोवेल पढ़ी हो तो आप इसे जो है कंपेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतर तरीके से। बस एक ही पॉइंट निकलता है कंपैरिजन के लिए, अगर पूछा जाए तो एक ही पॉइंट निकलता है। देखो वैसे ही तो एक क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये करेक्टर वाइज क्वेश्चन हैं, ठीक है। मतलब करेक्टर स्केच प्रेजेंट करना होता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें करेक्टर स्केच प्रेजेंट करना होता है, तो ये वाले क्वेश्चन ही दूसरा और तीसरा। तो बर्था मेसन के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो उसके बारे में लिखना होता है आपको, जेन आयर के बारे में पूछ लिया जाए तो जेन आयर के बारे में लिखना होता है। बट यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन पूछा है तो आप दोनों पॉइंट मिला के लिख सकते हो, इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में। बट मैं ये बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि इन दोनों के ऊपर, हो सकता है रोचेस्टर के ऊपर पूछ लिया जाए, तो बी रेडी फॉर दैट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाउ डज द नोवेल कॉमेंट ऑन द पोजिशन ऑफ वीमेन इन विक्टोरियन सोसाइटी? सो विक्टोरियन सोसाइटी, देखो आपको अगर लिंक करना है इसको कि नोवेल कैसे, मतलब आपको कमेंट करना है कि नोवेल कैसे जो है विक्टोरियन सोसाइटी से मैच खाती है। आपको पता है कि ये जो टेक्स्ट है, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो और अगर आप डीयू में हो तो सिलेबस में आपको मिला ही होगा कि ये विक्टोरियन लिटरेचर का पार्ट है, ये जेन आयर वाला पार्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैसे लिंक करोगे कि हाँ ये विक्टोरियन सोसाइटी से मैच खाती है ये नोवेल? तो थोड़ा बहुत आपको पहले पता होना चाहिए विक्टोरियन सोसाइटी के बारे में, कि वीमेन कैसे रहती थी, वीमेन को कैसे, मतलब जो है सप्रेस्ड होना पड़ता था मेल के यहाँ, तो ठीक है फेमिनिज्म का तो था नहीं कोई कॉन्सेप्ट उस ज़माने में, तो वीमेन को जो है एक मोहताज रहना पड़ता था मेल के हाथों में, कमाएगा लाएगा तो खाएगा, मतलब खाएगी वो फिर, ठीक है, मतलब जीवन उनका ऐसे ही चलेगा इन द मर्सी ऑफ मेल, ठीक है। तो ये सब था विक्टोरियन सोसाइटी में अगर बात करें तो, वीमेन थोड़ा बहुत अगर आपने आपको फ्री पाती थी, वो शादी के बाद ही पाती थी, बट इतना नहीं, फिर भी हस्बैंड जो है कंट्रोल करता था, काफ़ी सप्रेसिव होता था शादी से पहले, पेरेंट्स मतलब फादर कह लो, शादी के बाद हस्बैंड थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑपरेशन सप्रेस करते थे इनको। तो ये सारी पॉइंट्स थे विक्टोरियन सोसाइटी के, अगर आप डीप में पढ़ोगे तो आप एडवर्ड एल्बर्ट की जो है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, तो ये सारी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इसमें शॉर्ट में। मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग उसे पढ़ो, ठीक है, तो आप उससे फिर लिंक कर सकते हो कि कॉमेंट कर सकते हो इसमें नॉवल के थ्रू से, कैसे जेन आयर भी ऐसी थी, उसे अब एक मर्सी पे डिपेंड रहना पड़ा था, रीड के घर पे, उसके बाद लॉबुड स्कूल में भी कैसे उससे उस पे जो है अत्याचार किए जा रहे थे, उसके बाद अगर फाइनेंशियली अगर वो फ्री होना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ी भी होना चाहती थी, तो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, मतलब एक वीमेन होने के नाते इसको जो है हर जगह नेगलेक्ट किया जा रहा था। तो बहुत सारे पॉइंट हैं। इसके अलावा रोचेस्टर से अगर शादी भी करता है तो रोचेस्टर भी जो है एक कह लो कि है सप्रेसिव टाइप का ही था, बात मतलब ट्रू लव तो था इनके बीच में, बट स्टिल सप्रेसिव ही कह लो, क्योंकि वो इसको एज अ मिस्ट्रेस बनाना चाहता था सिर्फ, ठीक है, इवन दो ही वॉज हैविंग अ वाइफ। ये सारे पॉइंट हैं इसमें। तो कह लो कि मेल हमेशा जो है उस टाइम पे एक सप्रेस करना चाहते थे वीमेन को, तो सेम चीज़ जो है देखी गई है इस नोवल में भी, दैट्स वाई वी कैन कंपेयर इट विद द विक्टोरियन सोसाइटी, राइट। सो वी शुड गो हैड and talk about the fifth question. Considering his treatment of Bertha Mason, is Mr. Rochester a sympathetic or unsympathetic character? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बर्था मेसन के साथ इसने किया था रोचेस्टर ने, इसको जो है एक रूम में बंद कर दिया था एक रूम में, तो आपको क्या लगता है कि ये एक सिंपैथेटिक मूव था उनका, कि अपनी वाइफ को एक कमरे में बंद कर रखा है, कि एक अनसिंपैथेटिक मूव था और दूसरी औरत से जो है शादी के लिए बात चला रहा है, तो ये क्या सही है ये पॉइंट, आपको क्या लगता है?
तो यही चीज़, इसी चीज़ पे जो है हमें कमेंट करना है। तो देखो इस पॉइंट को क्लियरली डिफाइन करने के लिए ये चीज़ अपने आप पे लो। सपोज़ कि आपको पता नहीं है कि आपकी शादी एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो कि एक मैड है, मतलब पागल है, उसकी मैडनेस को जो है छिपाया गया है आपसे, और आप सिर्फ एक ब्यूटी के चक्कर में उससे आप शादी करने लगे। लेट्स से कि मेल है तो फीमेल के चक्कर में पड़ गया है कि वो ब्यूटीफुल है और उससे प्यार करने लगा है, या फिर जो भी है शादी वादी होगी उनकी, या फिर अगर एक फीमेल की पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ऐसा मेल जो कि पागल था और उससे शादी करवा दी गई, मतलब उस फीमेल की उससे, तो आप क्या करोगे? यू विल नेवर एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ मैरिज। आप कहोगे कि नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकती। तो इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को ऐसे लिया जाए तो हम जो है मिस्टर प्रोचेस्टर को कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जो है क्रूएल टाइप का इंसान है। वैसे हाँ, स्टोरी में दिखाया गया है कि इसने अपनी वाइफ को जो है कैद करवा रखा है, इलाज वगैरह पॉसिबल होगा मे बी, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल ये पॉइंट अगर हम खुद अपने पे लेके देखते हैं तो हम पूरी तरीके से नहीं कहेंगे कि वो अनसिम्पैथेटिक है। सिम्पैथेटिक है वो बंदा, अगर हम अपने पे ले रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि इसके साथ धोखा हुआ है ना। इसकी जो मैरिज हुई है उसको पता नहीं था कि दैट इज़ कि बर्था जो है एक मैड है, मैडनेस को छुपाया गया था, सिर्फ ब्यूटी के चक्कर में जो है पागल हो गया था। गलती है इसकी भी है, बट स्टिल हम पूरी तरीके से जो है इसको अनसिम्पैथेटिक नहीं कह सकते। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कैसे इसको क्वेश्चन को जो है अटैम्प्ट करोगे। मैंने पॉइंट रख दिए हैं आपके सामने, अब आपकी मर्जी है कि आप व्हाट काइंड ऑफ इन व्हाट वे यू वांट टू फ्रेम दिस क्वेश्चन, फ्रेम दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं आप पे ही छोड़ता हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्स पे, मैंने बता दिया वैसे इसका, ठीक है, पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं आप। हाँ, और एक चीज़, एग्ज़ाम में जो है आपको कभी भी क्लियरली एक पॉइंट पे अड़े नहीं रहना होता है, ठीक है। यस नो वाले क्वेश्चन में कभी भी यस और कभी भी पूरी तरीके से नो मत बोल देना आप, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि आप यस कर रहे हो लेकिन एग्जामिनर या फिर जो चेकर है, एग्ज़ाम चेक करने वाला है, उसके लिए वो नो है। तो कभी भी ये पूरी तरीके से यस भी नहीं है, पूरी तरीके से नो भी नहीं, ठीक है। पॉइंट्स रख दो आप पॉइंट्स रखना सीखो। हाँ, किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स कर दो कि हाँ यस हो सकता है, बट स्टिल नेवर से कि वो दूसरे वाला पॉइंट बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज इट्स लिटरेचर, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है। कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है कि जो पॉइंट आपके लिए यूजलेस हैं बट वही पॉइंट एग्जामिनर मांग रहा हो इस एग्ज़ाम में, ठीक है। वाइज जेन अनेबल टू स्टे विद रोचेस्टर आफ्टर इज मैरिज टू बर्था मैसन इज रिवील्ड। अब देखो आपको पता है कि जेन आयर को जो है प्यार हो गया था रोचेस्टर से, ये तो सिंपल सी बात है। तो हुआ क्या एक्चुअली, अब वो क्यों नहीं रह पा रही थी इसके साथ? अब रोचेस्टर से उसको शादी नहीं करनी थी, आप ऐसे समझ लो, या फिर दूर हो गई, वो चली गई उस जगह से। तो क्यों चली गई? रोचेस्टर को छोड़ के क्यों चली गई अगर वो प्यार करती थी रोचेस्टर से, तो जेन आयर? तो इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि एक तो पहली बात, इसको पता लग गया था कि जो है रोचेस्टर की जो है ऑलरेडी एक वाइफ है बर्था नाम से, और फिर दूसरी चीज़ ये, जेन आयर जो है एक ऐसी लेडी की तरह पेश की गई है इसमें जो कि इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी पे डिपेंड रहे, किसी के दाने की मोहताज रहे। आप स्टार्टिंग से देख लो, जेन आयर जो है एक एक ही मोटिव इनके पीछे दिखेगा आपको, कि ये कभी भी झुकना नहीं पसंद करती थी। इन द झुकना इन द सेंस, मतलब किसी की गुलामी टाइप की नहीं करना चाहती थी, हमेशा फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहती थी, चाहे वो जिस स्कूल में पढ़ रही हो उसी स्कूल में बाद में पढ़ाने की बात हो, या फिर किसी एक लड़की को एडिले या फिर क्या एडिल नाम की कुछ लड़की थी, आप एक बार देख लेना, पॉइंट शायद मिस कर रहा हूँ मैं, तो उस लड़की को भी पढ़ाती थी ये जब रोचेस्टर के उधर रहती थी घर में। तो ये तो मतलब फाइनेंशियली अपना जुगाड़ कर लेती थी ये, खाना पीना, ठीक है, जो भी है। हाँ, रोचेस्टर के घर से जब निकलने के बाद की कंडीशन ये हुई कि इसको खाना भी मांग के खाना पड़ा, वो अलग बात है, बट स्टिल इसको एक जो है एक रहने की जगह मिल गई अपने कजन्स के वहाँ पे। वहाँ पे भी जो है ये स्कूल जाने की, मतलब वहाँ पे भी जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है वहाँ पे भी ये। तो कहने का मतलब ये कि झुकना नहीं चाहती थी ये लड़की कभी भी। तो वही बात है कि जब इसको पता लगा कि यार ये ऑलरेडी मैरिड है, तो मैं क्यों एज अ मिस्ट्रेस उसके घर पे रहूँ, मतलब मेरी तो फिर कह लो कि फिर कोई इज्जत नहीं होगी ना, मतलब मेरे प्यार की जो इज्जत नहीं होगी वो तो गिर गया हो, ठीक है, प्यार की कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब मैंने जो इतना प्यार किया इस बंदे से उसकी फिर कीमत नहीं याद आओगी, ठीक है, ट्रू लव का फिर जो है कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा और ये जो है डिटेरियरेट हो जाएगा, अनप्योरीफाइड हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो वहाँ से चलेगी, इसको इतना पता था कि सब कुछ सही हो जाएगा एक दिन, इसके मन में ये विश्वास तो था। तो दैट्स हाउ और दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि ये इसलिए वहाँ से चली गई, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ जो थी ये वो लूज़ नहीं करना चाहते थे रोचेस्टर के साथ रह के। इवन दो रीज़न वॉज दैट बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ बर्था, लेकिन बाद में एक्सेप्ट इसलिए करते कर लेती है रोचेस्टर को क्योंकि बर्था जो है
आग लगा के मतलब बर्था की जो है डेथ हो जाती है, और चेस्टर जो है अंधा हो जाता है। तो बाद में सिचुएशन कुछ और होती है, वाइफ मर चुकी होती है उसकी ऑलरेडी पिछली वाली, दैट्स हाउ या फिर दैट्स वाई कह लो आप कि वो फिर जो है बाद में इससे शादी कर लेती है। तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट भी जो है गंदा नहीं होता, और अपने प्यार पे ही जीत भी पा लेती है। क्यों? क्योंकि ये झुकी नहीं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, हाउ डज नोबल रिलेट टू शार्लोट ब्रॉन्टीज पर्सनल लाइफ। अगर ये हम बात करें, शार्लोट ब्रॉन्टी ने जो ये नोवेल लिखी है, तो एक्चुअली अब कोई भी नोवेल या फिर कुछ भी लिखा जाता है, भले ही कितना फिक्शन हो, कितना ही फिक्शन क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो पर्सनल लाइफ से वो अटैच किया जा सकता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं झलक तो मिलेगी, जो भी ऑथर है उसकी झलक कहीं ना कहीं मिलेगी स्टोरी में, तो आप ढूंढोगे ही ढूंढोगे इसको। ये हमेशा से जो है एक नेचर कह लो आप, कि आप थोड़े बहुत वो चीज़ें लिखोगे जो कि आपको हिंट करती है या फिर हर्ट करती है, ठीक है। तो क्या रीज़न है, मैंने कुछ यहाँ पे वैसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए, देख लो आप एक बार। तो हाँ, थोड़ा बहुत ये ऑटोबायोग्राफिकल है। लॉबर्ड स्कूल की अगर बात करें, तो वो उस क्लर्क की डॉटर स्कूल से जो है मैच खाती है शार्लोट ब्रॉन्टी की। ब्रॉन्टी की अगर स्कूल की बात करें, आपको आपको पता है, पता होगा कि स्टोरी में जेन एयर का जो स्कूल है वो बहुत ही गंदा था, जिसमें बीमारी फैल गई थी टाइफस नाम की। सिमिलरली ब्रॉन्टी, जब ब्रॉन्टी की बात करें, अगर ब्रॉन्टी की स्कूल में भी ऐसी पुअर कंडीशन थी, तो ये कुछ सिमिलरिटीज थी दोनों के बीच में। तो इसलिए जो है ब्रॉन्टी ने, ब्रॉन्टी कौन है, ऑथर है, जेन एयर कौन है, एक प्रोटैगनिस्ट है इसी स्टोरी की, फिक्शन की, ठीक है ना, इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है। तो कंफ्यूज मत हो जाना आप दोनों, इन दोनों के बीच में। तो ब्रॉन्टी ऑथर है, जेन एयर जो है करेक्टर है नोवेल की। उसके बाद क्या है कि इन दोनों का स्कूल, ब्रॉन्टी का स्कूल भी ऐसे गंदा सा था, जेन आयर का भी स्कूल जो है ऐसे ही गंदा सा पेश किया गया है। इसके बाद जो है ब्रोकलहार्स्ट जो है उसको जो है रेवरेंट विलियम कार्सन विल्सन के साथ जो है मैच किया गया है। सिमिलरली ब्रॉन्टी के जो है इन्फॉर्म द डेथ ऑफ हेलेन बर्न्स बाय रिकॉलिंग द डेथ ऑफ हर टू सिस्टर्स ड्यूरिंग अ फीवर आउटब्रेक एट देयर स्कूल। एक जो स्कूल में आपने देखा होगा कि इसकी जो क्या नाम है इसका, जेन आयर की जो है एक फ्रेंड का जो है डेथ हो गई थी टाइफस से, सेम चीज़ हुई थी इनके ब्रॉन्टी की भी फैमिली में। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना, नेट पे ही कुछ है नहीं, बट हाँ ये आप एक बार लिंक मतलब सीख लेना, मतलब पॉइंट्स एक बार कलेक्ट कर लेना बहुत सारे। मैंने यहाँ पे दो तीन पॉइंट लिखे हैं कि कैसे जो है फैमिली वाइज मतलब जो जो इनकी ब्रॉन्टी की उसमें हुआ था, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बट आप और थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स लिखना, इतने में आपका काम नहीं चलेगा। तो ब्रॉन्टी की पर्सनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ से और जेन आयर की जो है पर्सनल लाइफ जो भी नॉवल में पेश की गई है कैसे मैच खाती है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। मैच करके कैसे मैच खाती हैं या फिर क्या सिमिलरिटीज़ हैं, सारा तो मैच नहीं खाएगा, कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी वो आपको लिखनी है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली इन द नॉवल। हाँ, अब फैमिली का क्या रोल है इस नॉवल में, आपको पता है कि फैमिली सिर्फ एक मेंबर से नहीं बनता, दो मेंबर से नहीं बनता। फैमिली भले ही दो मेंबर हों, बट उनके बीच में प्यार हो, सब कुछ हो, रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो ही फैमिली होती है। नहीं तो फैमिली का कोई कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम बात करें नोवेल में फैमिली के बारे में, तो जेन आयर के लिए कभी भी फैमिली जो है मतलब जो भी नोवलिस्ट थी, मतलब नोवलिस्ट कह रहा हूँ सॉरी, जो भी ये प्रोटेगनिस्ट हैं, मतलब हमारी जेन आयर जो हीरोइन है कह लो इस स्टोरी की, इनको कभी भी जो है पूरी तरीके से एक फैमिली का प्यार तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो अब रीड के घर पे रहती थी, तो मतलब जो भी आंटी थी इनकी, तो वो हमेशा इनको परेशान करती थी। एक बार जो है इनको एक बंद कमरे में भी बंद कर दिया गया था बहुत दिनों के लिए, खाना पीना भी नहीं दिया था। तो इसके बाद जो स्कूल भेज दिया गया ताकि टेंशन फ्री हो जाए, हम कोई टेंशन ही ना हो मेरे को, इसी आंटी ने इसको स्कूल भी भेज दिया था ऐसे ही। तो ये सारी कुछ घटनाएं थी जिससे इसके मन में एक चीज़ तो ये पहुंची थी, मैसेज ये सिग्नल पहुंचा था कि यार फैमिली, फैमिली का सुख मतलब कभी नहीं मिला इसे, ठीक है। स्कूल में भी गई तो स्कूल भी स्कूल जैसा, कभी वहाँ पे फैमिली की, फैमिली जैसी चीज़ तो मिली नहीं, प्यार तो मिला ही नहीं। एक टीचर थी वहाँ पे, कुछ फ्रेंड्स भी बने, मिस टेम्पल जो है काफ़ी अच्छी थी, अच्छे से ट्रीट करती थी इसको, बट स्टिल वो फैमिली वाला प्यार नहीं मिला। रोचेस्टर के वहाँ पे भी प्यार हुआ, रोचेस्टर से बाद में पता चला कि रोचेस्टर ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे भी फैमिली वाला प्यार नहीं मिला। रोचेस्टर से उम्मीद थी वैसे कि इसको फैमिली वाला जो है प्यार मिल पाएगा, बट रोचेस्टर से भी उस टाइम पे नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जो है कज़न के घर गई, वहाँ पे भी नहीं मिला, मतलब ठीक है फैमिली जैसा था वहाँ पे भी, बट स्टिल वो मतलब एक तो जो रिलेशन होता है एक दूसरे के बीच में वो अलग बात है, मतलब एक मेंबर के बीच में, बट एक हस्बैंड जैसे केयर करता है या फिर एक फादर या फिर एक मदर केयर करती है बच्चे की, वो प्यार नहीं मिला। फाइनली इसी टाइप से जो है ब्रॉन्ट, ये जेन आयर की जो है स्टोरी चलती रहती है, चलती रहती है। लास्ट में इसको जो है फैमिली का ट्रू एसेंस या फिर ट्रू कह लो कि आपको पूरा जो है फ़ायदा मिलता है या फिर पूरा जो प्यार भरपूर वगैरह मिलता है, वो कब मिलता है, जब ये रोचेस्टर से शादी कर लेती है, ठीक है, तब।
रोचेस्टर से जब ये शादी कर लेती हैं, क्योंकि उस टाइम पे बर्था की, यानी कि जो कि रोचेस्टर की ओल्ड पहली वाली वाइफ है, वो उसकी डेथ हो चुकी होती है, रोचेस्टर भी जो है अब अंधा हो चुका होता है। तो इस टाइम पे जो है फिर जेनायर जो है उससे एक्सेप्ट कर लेती हैं रोचेस्टर को, शादी हो जाती है इनके बीच में। कुछ सालों बाद जो है जेनायर कहती हैं कि हाँ, तो मतलब यहाँ पे जो है इनको ट्रू लाइफ या ट्रू फैमिली का जो है पूरा पूरा जो है कह लो कि प्यार मिला यहाँ पे। ठीक है, स्टोरी की एंडिंग कैसे होती है आपको पता है कि जेनायर जो है रोचेस्टर से शादी कर लेती हैं। रोचेस्टर वैसे अंधा होता है उस टाइम पे, जब ये मतलब अंधा हो गया होता है। अब कैसे हो गया होता है, अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में बर्था को, क्योंकि आग लगी होती है, तो वहाँ ही पे जो है अपनी आँखों की साइट विजन खो लेता है, मतलब खो बैठता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद मतलब कुछ सालों बाद जब जेन आयर को एक बेटा होता है, उस टाइम पे जो है फिर रोचेस्टर की जो है एक एक आँख की जो है रोशनी वापस आ जाती है, ही गॉट अ विजन। ठीक है, तो इस टाइप से जो है स्टोरी की एंडिंग होती है, जेनायर जो है इस स्टोरी की एंडिंग इस टाइप से करती है। तो ये कुछ 8 क्वेश्चंस जो थे मैंने बताए हैं आपको, जो कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि घुमा फिरा के जो है यही क्वेश्चंस जो है फ्रेम किए जाएं, घुमा फिरा के पॉइंट आखिर यही उभरेगा, जो जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं ना, पॉइंट्स यही उभरने हैं। तो आपको करना क्या है कि बार बार गो थ्रू होना है इन क्वेश्चन से, पॉइंट्स आपको लिखने हैं डायरी में, कुछ कोटेशंस भी डाल देना। कोटेशंस क्या होती हैं, मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम दी टेक्स्ट जो कि बोली गई हूँ। हो सके अगर याद कर लो आप तो कर लेना, उनको ब्लैक पॉइंट से जो है हाईलाइट कर सकते हो आप अपने एग्जाम में, एग्जाम आंसर शीट में। सो यू विल गेट गुड मार्क्स, होप सो यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। ठीक है, मेरी जो है पूरी की पूरी जो है कोशिश ये रहती है कि आप लोग जो है अच्छा करो, अच्छा एग्जाम में करो, और इसके साथ साथ जो है अपने फैमिली का, अपने माँ बाप सबका नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। ठीक है, आगे बढ़ो, कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखना कभी भी लाइफ में। हाँ, लास्ट का ये कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आप जो भी मानते हो मेरे को, आप शेयर करो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, कॉपी लिंक, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप करना चाहते हो, इंस्टाग्राम, जीमेल, मैसेजिंग करके, जो भी है, जैसे भी आप जहाँ पे भी आप फॉलो करते हो, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो आप, प्लीज़ इस वीडियो को जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि मेरे को भी एक संतुष्टि मिले कि हाँ, सिर्फ मैं आपकी नहीं भलाई कर पा रहा, और भी बहुत सारे लोग हैं सबकी भलाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, जो भी आप मानते हो मेरे को, भाई मानते हो, एज अ टीचर मानते हो, मेंटर मानते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये रहा 8383018, टेलीग्राम कर सकते हो इसी पे। सो ये सारा था आज का, ये टॉपिक था जो कि मैंने डिस्कस किया आप लोगों के बीच में। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि कुछ और नया लाऊंगा। और हाँ, जो भी चीज़ चाहिए होती है आपको, आपको किसी से कुछ बोलना नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे इस चैनल पे जो है नीचे वीडियोस में जो है कमेंट करना है, जो भी चीज़ चाहिए आपको, व्हाट्सएप का मैंने आपको नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे जो है, हाँ कई बार ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, बट स्टिल आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई यू गाइस। ओके, आपको कमेंट करना है, आपको बताना है, आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, मैं बाकी यूट्यूबर से जैसा नहीं हूँ। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? थैंक यू गाइस, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ हाई क्वालिटी वीडियो, राइट? थैंक यू।